सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम करने वाले हैं फेस मास्क की अनबॉक्सिंग, जो कि हेलमेट के नीचे जो पहना जाता है फेस मास्क, फुल वाला जो आता है, हम करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग। तो ये आ गया है, ये मुझे कॉस्ट पड़ा है 250 का। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने रैपर फाड़ दिया था, पहले ही फाड़ दिया था जब आया था इसको मैं चेक करने के लिए कि कहीं मतलब कुछ डैमेज तो नहीं है। तो फिर इसको चेक करते हैं। बाकी सब तो मैंने चेक कर लिया, फर्स्ट क्लास का है भाई। जो इसका कपड़ा है ना, गजब है, कॉटन में है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा ना मैं कुछ खुजली टाइप का कपड़ा पहना हूँ, ऐसा मतलब होता है कभी कभी चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना। पहले मैं हाफ वाला फेस मास्क यूज़ करता था, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ये हाफ वाला यूज़ करता था, आजकल ये सारे यूज़ करते हैं, बट मैंने ये फुल वाला इसलिए मंगाया है। अभी ठंडी आने वाली है कुछ महीने बाद, तो फिर इसलिए इसको मंगा लिया है कि इसको थोड़ा यूज़ करके भी देख लेंगे कि मतलब क्या इसका फीडबैक क्या है। सो इसका फीडबैक मैं आपको बाद में भी दे दूँगा, बाकी मैं इसका ही बताता हूँ। ये बहुत ही कॉटन में है, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास का चलता है। मैं इसको ज़्यादातर मास्क बना के यूज़ किया हूँ, मतलब मान के चलिए अभी तक जब से मैंने इसको लिया है तब से लेके अभी तक मैं इसको मास्क बना के ही यूज़ किया हूँ। इस टाइप का मैं यूज़ किया हूँ। लेकिन अब कुछ टाइम से, जैसे मेरी पहले मैं कैप यूज़ करता था, जो आती है ना कैप, वो यूज़ करता था उल्टा साइड करके, मतलब हेलमेट लगा लेता था। तो मैं अभी उसको इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि कैप को ख़राब हो चुके, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है, मुझे पता नहीं था कि इतना कम्फर्टेबल, नहीं तो मैं इसे ही यूज़ करता, नहीं तो मैं इसको बस ओनली मास्क के लिए यूज़ करता था। और यहाँ पे ना काला काला पड़ जाता है, धूप में गाड़ी चलाओ, धूल मिट्टी पड़ती है ना, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ किया हूँ। अब भाई ये भी इतना बहुत ही कंफर्ट है, हेलमेट लगाने के बाद कहीं ये मतलब हिलता उलता, हेलमेट हिलता नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हेलमेट पहन के भी दिखा देता हूँ। ये देखो एकदम टाइटली, पूरा एकदम टाइट है, उतना भी टाइट नहीं है कि आपका सर पूरा पकड़ ले और दर्द करने लगे। बाकी मैं कैप यूज़ करता था ना, तो मैं भाई ज़्यादातर लॉन्ग राइड करता हूँ, जैसे घर जाना हो, जैसे घर जाता हूँ 1000 किलोमीटर मेरा एक साइड से 1000 किलोमीटर पड़ जाता है, 935 किलोमीटर मेरा घर पड़ जाता है, इसलिए कैप लगाया ना, यहाँ पे पूरा चिन्ह पड़ जाता था कैप का, और भाई पूरा दर्द करने लगता था और इचिंग भी होने लगती थी। तो इसलिए मैं इसको मंगाया हूँ, तो इसको देखते हैं इसका क्या है। तो आप देख सकते हो ये कंफर्ट तो है, कपड़ा देखने से ही पता चल जाता है कपड़ा कैसा है और आपको कैसा ये अच्छा फीडबैक देगा कि नहीं देगा। ये है गजराज कंपनी का है, ये गजरा मेड इन इंडिया है। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको परचेस करना हो तो कर लेना। ये मुझे बस 249 का पड़ा है, वो ओनली 250 रुपये का पड़ा है। इसका देखते हैं, भाई हल्का थोड़ा लूज है इसकी जो है ना, वो पहनते पहनते टाइट हो जाएगा। ये देखो आप, ये पूरा गला तक यहाँ तक आ रहा है। वैसे फर्स्ट क्लास, वैसे बहुत ही अच्छा है, कंफर्ट है। अब एक बार हेलमेट पहन के देखते हैं, एक बार हेलमेट लगा के देखते हैं कैसा है। हल्का लूज है, लेकिन मेरा हेलमेट जो है ना ये बड़ा है, इसको डबल फोल्डिंग में करके मैं यूज़ कर रहा हूँ, डबल फोल्ड किया हूँ तब ये हल्का टाइट लग रहा है, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही फर्स्ट क्लास का है भाई। मेरे
देखने में तो बहुत ही फर्स्ट क्लास का है। बाकी इसको आप चाहें तो ऐसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिंगल में यूज़ करके देखते हैं क्या इसका आता है। भाई साहब ये तो कभी पूरा टाइट हो गया, डबल करने पे पूरा टाइट हो जा रहा है यार। खैर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, अगर आपको मंगाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बस यही था एक छोटा सा वीडियो इसका अनबॉक्सिंग का। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।